आज की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है। आधुनिक संसाधनों के इस्तेमाल से जिंदगी में नींद की समस्याएं भी आम हो गई हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अधिक उपयोग ने हमारी नींद की आदतों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी समस्या के बढ़ते प्रभाव के कारण नींद और इस पर स्टडी का दायरा बढ़ रहा है और स्लीप मेडिसिन अब एक विषय के रूप में अपनी पहचान बनता जा रहा है। नींद से जुड़े विकारों और उसके निराकरण के लिए मध्य भारत में पहली बार साउथ ईस्ट एशियन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने इंदौर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन विशेषज्ञों द्वारा नींद संबंधी विकारों पर चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के नींद रोग विशेषज्ञ, छाती रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट शामिल हुए और अपने अनुभवों को साझा किया। देखिए, ये एक नींद संबंधित समस्याओं के ऊपर कॉन्फ्रेंस है जो एक मल्टी स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंस है। इसमें छाती रोग विशेषज्ञ, इसमें ENT, इसमें डेंटिस्ट, इसमें पेडियाट्रिशियन, इसमें जनरल फिजिशियंस, इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं और हम इसके ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि नींद संबंधित रोगों का जो मैनेजमेंट है वो मल्टी स्पेशलिटी है और इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। नींद की अलग अलग विधाएं, जैसे नींद की बीमारियां कौन सी होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, समाज में उसको रोका कैसे जा सकता है और उसकी पहचान करके उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। स्लिप में मायसेल्फ डॉक्टर रुपेश मोदी, इंदौर चेस्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। ये स्लिप डिसऑर्डर पे कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, निंद्रा रोग जिसको हिंदी में बोलेंगे। निंद्रा रोग बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि दिन में सोना, ज़्यादा नींद आना, गाड़ी चलाते समय नींद आ जाना, एक्सीडेंट होना और रात को बिस्तर में गहरी नींद में सो के अपने उसको बॉडी को टोज करते रहते हैं लोग, स्नोरिंग, घुर्राटे खर्राटे लेते हैं, इस तरह की सामान्य समस्याएं जो व्यावहारिक जीवन में सभी इंसानों को करीब अपनी लाइफ में होती है, तो ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक है और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए डॉक्टर्स और समाज के बीच में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष और बाहर से भी लोगों ने इसमें अपना सहभागिता निश्चित की है और ये इंदौर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस शहर में हो रही है। यहाँ के डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा उपलब्धि है। इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के ख्यात डॉक्टर, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और शहर के कई शिक्षाविद भी शामिल हुए।